अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जब इस टॉपिक के बारे में मैं सर्च कर रही थी तो मैं ख़ुद को भी सामने रख रही थी कि यार, मतलब हम डेली लाइफ में कितना एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, कितने गलत बात हम करते हैं, और हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि जो हम करते हैं डेली लाइफ में एक दूसरे की बुराइयां, वो कितनी तबाहकुन हैं हमारे लिए। हमारी नेकियां जो हैं चली जाती हैं इन चीज़ों से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो गीबत के मुतालिक है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि गीबत है क्या, हम गीबत कहते किसे हैं। गीबत यह है कि किसी शख्स के बुरे वस्फ को उसकी अदम मौजूदगी में उस तरह बयान करें कि अगर वो सुन ले तो बुरा माने, ख्वाह ज़ुबान से बयान करें या बज़रिया आज़ा या बज़रिया कलम या किसी और तरीके से। अब गीबत का मतलब ये है कि हम एक शख्स है उसके बुरे वस्फ, बुरी उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसका दूसरे के सामने बात करें। मतलब उसके अंदर वो मौजूद है चीज़ और हमें पता है, और हम उसके दूसरों के सामने बात करें, और अगर वो सुन ले आदमी जिसके बारे में हम बात करें तो वो उसको बुरा जाने, तो इसको कहते हैं गीबत। चाहे वो किसी भी तरह से, ज़बान से हो, मैसेज पे लिखकर बोल दें या किसी भी तरह कॉल पे कह दें, किसी भी तरह कहें, लेकिन गीबत यही होती है कि किसी और शख्स का जो वस्फ है, बुरा वस्फ, वो किसी और के सामने बयान करना। कुरान हकीम में इरशाद होता है, ऐ ईमान वालो, ज़्यादातर गुमानों से बचा करो, बेशक बाज़ गुमान ऐसे गुनाह होते हैं जिन पर सज़ा वाजिब होती है, और किसी के ऐबों और राजों की जस्तजू ना किया करो, और ना पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई किया करो। क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? सो तुम उससे नफरत करो, और उन तमाम मामलात में अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा करने वाला, बहुत तौबा को कबूल करने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला। यह अल-हुजरात की आयत है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत गुनाह में बदकारी से बढ़कर है। ओ माय गॉड, यानी बदकारी तो एक है ही है, गीबत उससे भी बढ़कर है। गीबत एक ऐसा गुनाह है जिसके मुर्तकिब को अल्लाह ताला बावजूद नदामत और तौबा के उस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक वो शख्स माफ़ ना कर दे। मतलब जिसकी बुराई की गई है, अगर वो शख्स उससे माफ़ी ना मांग ले तब तक उसकी तौबा भी कबूल नहीं है। मतलब हम सोचें कि डेली लाइफ में यार, हम कितनी बुराइयां करते हैं दूसरे लोगों की, और जब तक हम उससे माफ़ी नहीं मांग लेंगे हमारी तौबा ही कबूल नहीं है जिसकी गीबत की गई है। यही वजह है कि शरीयत में गीबत को तमाम कबायर से ज़्यादा मोहलिक और संगीन गुनाह करार दिया गया है। अक्सर ये भी देखने में आया कि एक शख्स गीबत करता है और जब उससे कहा जाता है कि गीबत ना करो तो कहता है, मैं तो उस शख्स का सही ऐब बयान कर रहा हूँ, ये गीबत नहीं है। हालांकि गीबत के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम है गीबत क्या चीज़ है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल को इसका बेहतर इल्म है। इरशाद फरमाया, गीबत ये है कि तू अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहे जो उसे बुरी लगे। किसी ने अर्ज़ किया, अगर मेरे भाई में वो बुराई मौजूद हो तो क्या उसको भी गीबत कहा जाएगा? फरमाया, जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद हो तो जब ही तो गीबत है, और अगर तुम ऐसी बात कहो जो उसमें मौजूद ना हो तो ये तो बोहतान है। मतलब हम ख़ुद को देख लें यार, कि हम डेली लाइफ में कितनी एक दूसरे की गीबत करते हैं, और इतना बड़ा गुनाह है कि मतलब बदकारी से बढ़कर गुनाह है गीबत। और गीबत तो ये कि हम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएं, मतलब हम में से कोई पसंद करेगा कि हम अपने, कोई मर गया हमारा भाई और उसका हम गोश्त खाएं, मरा हुए भाई का गोश्त खाएं? अस्तग़फिरुल्लाह। मतलब हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और उन लोगों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी हम बुराई करते हैं, और अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तौफीक अता फरमाए। हम ख़ुद को टटोलें कि क्या हम गीबत करते हैं, और अगर करते हैं तो उससे इज्तनाब करें। मैं अल्लाह हमें नेक कामों की तौफीक अता करे और बुरे कामों से बचाए, दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को देखकर इस पे अमल करने की कोशिश करिएगा। मैं ख़ुद भी अमल करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, और इसको जितना हो सके शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और हदीस के साथ।